हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपेरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 29 अगस्त 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के एडिटोरियल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये डोकलाम का इशू सॉल्व हो गया है, दोनों देशों की आर्मीज जो हैं वो अपने अपने देशों को वापस लौट गई हैं। तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है हमें। ये जो सेंटर का आर्टिकल है अगेन राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, एक दो जो बातें हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो आर्टिकल है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसको हमको डिस्कस नहीं करना है। इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है उर्जित पटेल जी को कि उन्होंने किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर चुप्पी साध के रखी और अपने जो स्टेप्स आगे बढ़ाने थे उनको नहीं बढ़ाया, इनके बारे में कुछ बातें की गई हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल हमारे लिए नहीं है, तो हम इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये जो आर्टिकल है ये इंडोनेशिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एसोसिएशन इंडिया के साथ किया गया है लेकिन इतना महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं है, कुछ अच्छा आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, इसे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल जियोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको हमें डिस्कस करना है। बाकी यहाँ नीचे भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है जो हम डिस्कस करें। इसके अलावा हम एक आर्टिकल एक लाइव मिनट का आज डिस्कस करेंगे जो कि होगा पुलिस रिफॉर्म पे। पुलिस रिफॉर्म पे ये आर्टिकल होगा जिसको हमें डिस्कस करना है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप इसको देखेंगे। और इसके साथ ही जो हम हर दिन एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं वो आज केस स्टडी बहुत अच्छी है, हम उसको भी देखेंगे, जिसमें आज मैं आपको एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाने वाला हूं और आपको एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को रिजॉल्व करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। पहले जो हम ऐसे राइटिंग के लिए कोटेशन देखते हैं वो आज क्या है, हम उसे देख लेते हैं। और देखिए जो कोटेशन है आज का वो कन्फ्यूशियस का स्टेटमेंट है जो ये कहता है, डोंट एडजस्ट द गोल्स, एडजस्ट द एक्शन स्टेप्स। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने गोल्स को एडजस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने एक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए। अब देखिए, आप हमारे सामान्य जीवन में या हमारी यूपीएससी की तैयारी में ये आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है। होता यह है कि कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आते हैं लेकिन जब वो तैयारी में आते हैं तो कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसा कि हमने देखा। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी नहीं होती है कि हम कोचिंग में गए, हमने क्लासेस कर ली, हमने कुछ बुक्स या नोट्स पढ़ ली और हमारा काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, हमें लगातार सुपरविजन में रहना होता है, किसी से गाइडेंस लेना होता है ताकि हम सही डायरेक्शन में रह के तैयारी करें। अब इतनी सारी समस्याएं जब स्टूडेंट्स के सामने सडनली आती हैं जिन्होंने ऐसा इमेजिन नहीं किया होता, तो उन्हें लगता है यार ये यूपीएससी तो होने से रहा, चलो कुछ और कर लेते हैं, एसएससी कर लेते हैं, यूजीसी नेट कर लेते हैं या फिर टीचिंग के कोर्सेज कर लेते हैं। तो वो अपने जो गोल्स हैं उसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं ये वाला कर लेते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको गोल टफ लग रहा है तो उसको जो एक्शंस हैं उस गोल को पाने के लिए आप उनको एडजस्ट करिए ना। अगर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो टाइम मैनेजमेंट करिए, राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो राइटिंग प्रैक्टिस करिए, गाइडेंस चाहिए तो ढूंढिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको गाइड करे, आपकी दिक्कतें सॉल्व करे। तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको रिजॉल्व करिए, ना कि अपने गोल्स को ही एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, पहले वो बहुत एम्बिशियस टारगेट रखेंगे कि हम 2019 तक ये टारगेट अचीव करेंगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं ये टारगेट तो 2019 तक अचीव हो ही नहीं पाएगा, तो उसको डाइल्यूट कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं 19 तक नहीं, हम इसको 22 तक करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए कि 2019 का अगर हमने टारगेट रखा है तो हम उसको चाहे जैसे अचीव करेंगे, उसके लिए अगर हमें फर्दर नए स्टेप्स लेने पड़े तो हम ले। तो ये ऐसे राइटिंग का कोटेशन है, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने सामान्य जीवन में, अपनी यूपीएससी की तैयारी में, एज वेल एज अपने एसे में, ठीक है। तो फिर आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि डोकलाम का इशू जो पिछले 10 हफ्तों से चला आ रहा था, या यूं हम कह सकते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, पेपर 2 से हम टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। अब इस पर हमने देखा कि जो दो की दोनों कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी अपनी मिलिट्रीज़ को वापस बुला लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक जीत हम कह सकते हैं इन अ टर्म जो इंडिया ने गेन की। अभी जो मुद्दा था वो यही था, आप लोग जानते हैं कि डोकलाम भूटान की टेरिटरी है जिस पर चाइना सड़क बनाकर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना चाहता था। इंडिया ने बहुत ही सिग्निफिकेंट अपोजिशन वहाँ पर दिखाया, इंडिया ने अपनी आर्मी भी भेजी, क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी है, नेपाल नहीं है एग्जैक्टली, इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी है जिसको 2007 में रिवाइज भी किया गया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके तहत इंडिया इस बात को कंसिडर करता है कि अगर भूटान की सॉवरेनिटी पर कोई भी खतरा आता है तो इंडिया उसे अपने ऊपर खतरा मानेगा। इनफैक्ट इंडिया के खुद के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अगर डोकलाम के प्लेटू पर चाइना अपनी परमानेंट प्रेजेंस स्ट्रेंथन करता है तो फर्दर वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि वहाँ से हमारा चिकन नेक बहुत दूर नहीं है, वो गलियारा जो हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, ठीक है। तो इस लिहाज से इंडिया ने
जो स्टेप्स थे वो उठाए थे। अभी हमने देखा कि सिचुएशंस बहुत हार्श बनी हुई थी, कई तरीके के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे चाइना की तरफ से, सिचुएशन ये बन रही थी कि वॉर की कंडीशन आने वाली थी, ऐसा जो एनालिस्ट थे वो मान भी रहे थे। बट अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया गया, एक अच्छी सक्सेस मानी जा सकती है, वेलकम साइन है डिप्लोमेसी के जरिए जो हमने इस पूरे हार्श रिटोरिक को जो 10 हफ्तों से चला आ रहा था उसको सॉर्ट आउट किया। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, हमने बात कही थी कि ये जो मुद्दा उठकर आया था इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक ही सॉल्यूशन समझ में आ रहा था कि दोनों आर्मीज एक साथ पीछे हट जाएं। अब जो कोई भी पीछे हटता उसकी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में जो इमेज है वो ख़राब होती, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी इमेज ख़राब होने वाली थी। तो अब यहाँ पर दो की दोनों आर्मीज पीछे गई, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। न्यू दिल्ली का अपना स्टेटमेंट है और जो चाइना है उसका अपना स्टेटमेंट है। न्यू दिल्ली का क्या मंत्रीज थी, उन्होंने अपना एक्सपीडियस डिसएंगेजमेंट किया जो बॉर्डर पर्सनल्स थे। एक्सपीडियस डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है शीघ्रातिशीघ्र दो के दोनों जो बॉर्डर पर्सनल्स थे उन्होंने जो ये विवाद था उसको रिजॉल्व किया और पीछे हट गए। ये न्यू दिल्ली का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कि डिप्लोमेटिक मेजर्स लेते हुए जो हमने चाइना के प्रति अपना जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए या फिर जो स्टेप्स उठाए वो काफ़ी वाइज थे, अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब चाइना का स्टेटमेंट क्या है, चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो पीछे हट गई हैं डोकलाम प्लेटू के डिस्प्यूट पर, और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो लगातार जो पेट्रोलिंग है उस एरिया में करती रहेंगी। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि दो की दोनों कंट्रीज चाहती थी कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, एज वेल एज वो अपनी कंट्रीज़ में जो अपना फेस वैल्यू है उसको भी मेंटेन रखना चाहते थे, वो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते थे। अब एक चीज़ तो क्लियर है, देखिए इंडिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, जो चाइना डोकलाम के प्लेटू पर सड़क बना रहा था वो उसको रोकना चाहते थे, और अभी ये क्लियर हो गया है कि वो सड़क नहीं बनाएंगे। हालांकि बहुत फाइनल भी नहीं हुआ है, बहुत क्लियर भी नहीं हुआ है, इस वजह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी अनएंसर्ड हैं कि क्या ये जो मुद्दा है ये फर्दर रेज नहीं होगा, क्या चाइना अपनी वहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस को ख़त्म करेगा, जो रोड बनाने के इशू पर ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ था क्या वो सॉर्ट आउट हुआ है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डिसएंगेजमेंट के टर्म पे अभी भी बने हुए हैं। स्टिल ये जो सॉल्यूशन हमारे सामने निकल के आया है बहुत ही अच्छा है, जो दो के दोनों कंट्रीज़ डिसएग्री होने पर एग्री हो गए कि हम दो के दोनों दोस्त एक जो देश हैं वो एक दूसरे से असहमत रहेंगे, इस पर दोनों ही देश सही। जो लीडरशिप थी दोनों देशों की, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जो कि दो के दोनों देशों ने अपनी आर्मीज़ को वापस बुलाया, क्योंकि पूरी संभावना जताई जा रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, वार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमें यह भी नोट करना चाहिए कि दो के दोनों देशों ने भूटान की जो विशेष थी उसको रेस्पेक्ट किया, जिसमें वो ये चाहते थे कि ये दो बड़े देश हैं जिनके बीच में एक भूटान छोटा सा देश है वो क्राइसिस का हिस्सा बना हुआ है, तो इस क्राइसिस को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात थी। हमने ये भी देखा कि बहुत सही समय पर इस इशू को रिजॉल्व कर लिया गया, क्योंकि अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है 3 से 5 सितंबर के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जियामेन में ये समिट होने वाली है, चाइना में वहाँ जाने वाले हैं, और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत होती फर्दर इंगेजमेंट करने में, बातचीत करने में, या हो सकता है कि जो फर्दर ये अगर जो इंटेंसिटी है इस डोकलाम के इशू की अगर वो बहुत ज़्यादा गहरा जाती तो इस शेड्यूल को कैंसिल भी किया जा सकता था। ठीक है, तो बहुत अच्छे समय पर इस इशू को रिजॉल्व किया गया है, अच्छी बात है ये। अब देखिए कि हमने ये देखा कि अब ये जो सॉल्यूशन निकला वो तो ठीक है, अभी ज़रूरत ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के डिप्लोमेट्स हैं उनको फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए और रिलेशंस को फिर से मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि शुरू हो गया था जब नाथुला रूट, ऐसा रूट है जो कि कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज की जो यात्रा है वहीं से जाती है, सिक्किम के एरिया में है, तो वहाँ से उस रास्ते को बंद कर दिया गया था चाइना के द्वारा, उसको फिर से ओपन किए जाने की ज़रूरत है ताकि जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएं फिर से। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ जो नाथुला रूट को बंद करने के साथ, कैलाश मानसरोवर यात्रा को नाथुला रूट से बंद किया गया, उसके साथ जो ये डोकलाम का इशू आगे आया, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बना, 2.5 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला भी, तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो 2012 में चाइना और इंडिया के बीच में एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुई थी जिसके तहत ये देखा गया था कि दो की दोनों कंट्रीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगी और चीज़ों को जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगी, ये क्लियर हो रहा है कि चाइना इस चीज़ को अब मानने की कंडीशन में नहीं है, वो इसको नहीं मानना चाहता है, उन्होंने इसको अस्वीकृति दी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में वो आगे बढ़कर आए। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि एक चीज़ और जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि इंडिया चाइना भूटान का एक और ट्राई जंक्शन है बतांगला, बतांगला वो भी अब सेटल नहीं है ऐसा चाइना शो कर चुका है। बतांगला आप देख लीजिए, ये बतांगला है, ठीक है,
ये डोकलाम है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा था, अभी ये बतांगला भी ट्राई जंक्शन है जिसको भी चाइना अभी ये मानना नहीं चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर है, वो इसको भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मान रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जो दूसरी बात है वो ये है कि इंडिया ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो सिक्किम की बाउंड्री है वो अभी सेटल नहीं है, उस पर अभी भी दिक्कतें हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बहुत ही स्विफ्टली सॉर्ट आउट करें, क्योंकि सिचुएशन टेंशन वाली अभी भी है, ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हैं और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना अभी जो हैं उनको जो एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 में हुआ था, जिसके तहत ये बात की गई थी, जो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो उस पर अगर कोई भी मुद्दे आएंगे तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, उसका सम्मान करना चाहिए और इश्यूज को शांति पूर्व तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये डोकलाम का इशू सॉल्व हो गया है, फिर भी इंडिया को पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि अगर अगला डोकलाम जैसा कोई मुद्दा आता है तो हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। हमने देखा भी था कि कैग की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि इंडिया की जो गोला बारूद की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो 10 दिन में गोला बारूद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन करना है, उनको इक्विपमेंट से लैस करना है, साथ ही बेहतर ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे जब कभी भी ज़रूरत हो। तो बहुत सारे इशूज़ हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि जो हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत है उन्होंने कहा भी कि वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द रस्ट, मतलब हम होप जो कर रहे हैं वो बेस्ट के लिए कर रहे हैं, स्टिल हमारी जो तैयारी है वो बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए है, तो एक अच्छा अप्रोच ही हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया एंड चाइना हैव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ओवर डोकलाम, स्टिल इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन मेनी कंटेंशियस इशूज विच मे फर्दर क्रिएट थ्रेट फॉर इंडिया सिक्योरिटी। कमेंट करना है 200 वर्ड में कि हालांकि डोकलाम का इशू सॉल्व हो गया है, फिर भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फर्दर क्रिएट हो सकता है और वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। चलिए आइए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, राइट टू प्राइवेसी। हमने काफ़ी कुछ इस पर डिस्कस किया है, पेपर 2 से हम टॉपिक को एसोसिएट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने देखा कि जो 9 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आर्टिकल में बहुत विशेष बातें नहीं की गई हैं, आर्टिकल में वही बात की गई है जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी है कि देखिए जब एक बार कोई बड़ी बेंच, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये डिसीजन दे देती है किसी भी मुद्दे पर, तो आगे आने वाली जो छोटी बेंच होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इस डिसीजन को फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं कि राइट टू प्राइवेसी का ही मुद्दा ले लीजिए। हमने देखा था कि एमपी शर्मा केस एक आया था, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए नहीं काम खराब हो जाएगा। ठीक है, एमपी शर्मा केस आया था ये 1954 में, तो इसमें 8 जजेस की बेंच ने ये कह दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि 1964 में एक 62 में एक नया केस आया, दैट वाज खड़क सिंह केस। और ये जो बेंच थी ये भी 6 जजेस की बेंच थी, तो इस जजमेंट में भी ये कह दिया गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब देखिए अगर किसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बात कह दी है तो आगे अगर कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आती है तो वो उनके डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकती। अभी देखिए जो रिवर्सल किया गया है वो 9 जजेस की बेंच के द्वारा किया गया है, क्योंकि 8 जजेस की बेंच ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब अगर बोलना है कि फंडामेंटल राइट है तो उससे बड़ी बेंच होनी चाहिए, तो ये 9 जजेस की बेंच आई। तो हम देखते हैं कि इससे कई सारा डिलेम्मा क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हमने देखा कि गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस था जो कि 1975 के अराउंड आया था, 1975 में ही आया था, वो 3 जजेस की बेंच थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो ये कहें कि जो राइट टू प्राइवेसी है फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टिल चूंकि वो 3 जजेस की बेंच थी तो वैसा नहीं कह सकते थे। इसके अलावा हमने देखा कि 1996 में एक और केस आया था जिसे हम कह सकते हैं PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें भी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था, जस्ट बिकॉज कि वो बेंच छोटी थी। और हालांकि उन्होंने ये माना था कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, उस पर बहुत फ्रीडम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। तो ये पूरे इश्यूज हैं जो इसमें बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस की हुई बातें हैं, थोड़ा सा रिविजन मैंने करवा दिया, बहुत है। अब आइए देखते हैं अगला आर्टिकल, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, लाइव मिंट का ये आर्टिकल है जो मैंने इंक्लूड किया है। आप लोग कहते हैं कि हम अदर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी डिस्कस करें, तो मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि एक अदर न्यूज़पेपर का आर्टिकल इंक्लूड करूँ। पुलिस रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम इस मुद्दे को हिस्ट्री के साथ डिस्कस करते हैं, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। हम देखते हैं कि 1857 में हमारा पहला स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें हमारी सोसाइटी के
हर सेक्शन के लोग, जो 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था 1857 में, हिंदू मुस्लिम सिख और जो भी ब्रेव सन्स ऑफ हमारे ब्रेव सन्स एंड डॉटर्स थे हमारे इंडिया के, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हम देखते हैं कि वो जब रिवोल्ट दबा दिया गया तो उसके बाद हमने देखा था कि इस रिवोल्ट में बहुत सारे मैन एंड वुमेन को टॉर्चर किया गया, तोप के गोलों पर लगाकर तोपें चला दी गई, बहुत सारे लोगों को एसेसिनेट किया गया, बहुत ब्रूटली इस रिवोल्ट को दबाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन इसके बाद जो एक स्टेप ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया गया वो ये था कि उन्होंने एक पुलिस एक्ट 1861 पास किया। इस एक्ट का जो एम था वो ये था कि पुलिस के स्ट्रक्चर को इस तरीके से फॉर्म कर दिया जाए कि फर्दर कोई रिवोल्ट जो है वो क्रिएट ना हो, और अगर कोई डिसेंट क्रिएट हो रहा है तो उसको क्रश कर दिया जाए। अब जो आयरनी है वो ये है, रिटोरिक है वो ये है कि आज भी जो कई सारे स्टेट्स हैं वो इस पुलिस एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इमरजेंसी के पीरियड में कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ये अपोजिशन जताया था कि जो पुलिस फोर्स है उसका बहुत ही मिसयूज़ किया गया उनके खिलाफ, अपोजिशंस के खिलाफ रूलिंग पार्टी के द्वारा। हम देखते हैं उसके बाद जनरल इलेक्शन होता है और कांग्रेस जो है वो हार जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, जो कि कांग्रेस की लीडर थी और प्राइम मिनिस्टर भी थी, उन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज किया था 1975 में। जनता पार्टी पहली बार गवर्नमेंट में आती है 1977 में, और जब वो पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो एक पुलिस रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। पुलिस रिफॉर्म लाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस का बहुत मिसयूज़ किया गया था इमरजेंसी के दौरान, और उसका जो यूज़ किया गया था वो उन्हीं जनता पार्टी के लीडर्स के अपोजिशन में किया गया था। तो वो पुलिस रिफॉर्म लाते हैं, और पुलिस रिफॉर्म में वो करते क्या हैं कि वो एक नेशनल पुलिस कमीशन NPC 1977 में गठित करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाता है, उसके पहले ही 1980s में जो उनकी गवर्नमेंट है गिर जाती है, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और जनता पार्टी गवर्नमेंट हार जाती है, अगेन कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट में आ जाती है इन द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद देखा यह जाता है कि इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो NPC पर देखने को मिला, नेशनल पुलिस कमीशन पर। उसकी सारी रिकमेंडेशंस को रद्दी के बस्ते में डाल दिया गया और किसी भी कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बिल्कुल इसका विरोध किया NPC का। अब देखिए मुद्दा आगे बढ़ता है, वो ये है कि पुलिस में जो बहुत सारी खामियां थी उसको देखते हुए एक IPS ऑफिसर थे, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे, नाम था प्रकाश सिंह। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि NPC की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और पुलिस रिफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए 22 सितंबर 2006 को अपना जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कई सारे डायरेक्शंस दिए पुलिस रिफॉर्म के लिए। वो डायरेक्शंस क्या थे, इनको प्रकाश सिंह केस के डायरेक्शंस बोले जाते हैं। जब भी आपको पुलिस रिफॉर्म पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, नेवर फॉरगेट प्रकाश सिंह केस एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स रिलेटेड टू प्रकाश सिंह केस। आइए बात करते हैं क्या डायरेक्टिव्स दिए गए थे। पहला तो ये किया गया था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाएगा जो कि पुलिस रिफॉर्म को आगे बढ़ाएगा, साथ ही जो DGP, SP और SHO हैं उनका टेन्योर कम से कम 2 साल का किया जाएगा। देखिए होता यह है कि बहुत कम समय के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये अपनी जिम्मेदारी को ठीक से संभाल नहीं पाते, चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करने की सिचुएशन में पहुंचते नहीं हैं, तब तक जो इनका टेन्योर है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका टेन्योर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए LO फंक्शंस के लिए। LO का मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस के लिए अलग से सेपरेट इन्वेस्टिगेशन बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करे। इसके अलावा जो छठा था वो ये था कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कई बार पुलिस वालों के खिलाफ आपको केसेस वगैरह देने होते हैं लेकिन पुलिस वाले इसको मानने से इनकार कर देते हैं, तो आप इन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। इसके अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल पर बनाने की बात की गई। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको ये बातें याद रखनी है, पुलिस रिफॉर्म से क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत आसानी होगी। देखते हैं कि जो एक और कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी, ठीक है, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया पुलिस एक्ट के ऊपर 2006 में सितंबर में, और इस ड्राफ्ट को सबमिट किया, लेकिन इस पर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं की गई। इसके अलावा जो प्रकाश सिंह थे उन्होंने कंटेम्प्ट के लिए, क्योंकि जो रिकमेंडेशन, जो डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उनको फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई भी एफर्ट्स जो थे वो नहीं लगाए गए। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इन रिफॉर्म्स को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, इनको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। अब देखिए बात यह है कि किसी भी रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल। अगर स्ट्रांग पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी, और हम एग्जाम्पल के तौर पर GST को ले सकते हैं। देखिए GST के प्रति जो गवर्नमेंट थी वो कितनी सीरियस थी और उसको अल्टीमेटली कितनी
बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो अगर पॉलिटिकल विल होगी तो किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हम आगे देखते हैं कि एनपीसी चाहता क्या है, जो नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था उसमें क्या बातें थी। देखिए, पुलिस के पास बहुत सारी पावर होती है और अगर उनका इस्तेमाल जुडिशियसली नहीं किया गया, बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया, तो लोगों की लाइफ पर इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एनपीसी जो चाहता था वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी हो पुलिस की फंक्शनिंग में, और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे जो मेज़र्स थे वो सुझाए भी थे। कौन से मेज़र्स सुझाए थे? पहला तो ये कि क्रिमिनल जस्टिस कमीशन बनाया जाना चाहिए नेशनल लेवल पे, इसके अलावा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन हो स्टेट लेवल पे, इंक्वायरी अथॉरिटी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, और इन्वेस्टिगेशंस की मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए। कैसे? केसेस की जो कि वीकर सेक्शन से रिलेटेड हों, जिनमें FIR रजिस्टर की गई हो, और इसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में ये आता है। सेंट्रल लेवल पे इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये एनपीसी चाहता है। दूसरा, ये चाहते हैं कि पुलिस को डेवलप किया जाना चाहिए हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सेंट्रल पुलिस कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन भी इन्होंने दिया था, उसके कंसल्टेंसी की बात कही थी। इसके अलावा ये कहते हैं कि पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखने की ज़रूरत है ताकि वो प्रोफेशनली अपने काम को कर सके। इसके अलावा ये भी कहते हैं चौथे नंबर पे ये कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए जो पुलिस फोर्सेस के चीफ हैं उनका। तो ये बातें हमने देखी। आगे हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है कि सबसे पहले हमें कंसेंसस बनाना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के बीच में और पुलिस पॉलिटिकल लेवल पे, ताकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद हमें एक रोड मैप प्रिपेयर करना है पुलिस रिफॉर्म के लिए। फर्दर हमें कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है जो एमएनएस ज्यूरिस्ट हैं, एडवोकेट्स, ऑथर्स से, ताकि जो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा हो सके। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे कि जो पुलिस है वो अपना अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल जियोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पेपर 3, कंजर्वेशन से जोड़ेंगे। कंटेक्स्ट यही है कि हमें जियोलॉजिकल कंजर्वेशन की आज इंडिया में ज़रूरत है। हम देखते हैं कि इंडिया में 30% जो स्टोन प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया का होता है। ठीक है, 30% दुनिया का जो स्टोन प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है और मार्बल डोमिनेट करता है। इसके अलावा ग्रेनाइट वगैरह का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। अब जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टोन का प्रोडक्शन करती हैं, उनकी माइनिंग करती हैं, वो बहुत ही अनमैनेज्ड हैं, पब्लिक स्क्रूटनी से बाहर हैं और अनरेगुलेटेड हैं। ये जो वीक इन्वायरमेंट है लॉ का, ये हमारे जियोलॉजिकल कंडीशन के लिए सही नहीं है। जो हमारी जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जिसमें रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल्स, लैंडस्केप्स आते हैं जो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, अगर इनको अच्छी तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो हम बहुत कुछ नुकसान सहने वाले हैं। और जियोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है वो आज हमारे इंडिया में बहुत ही इग्नोर सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आर्टिकल बात कहता है। दूसरी बात जो वो है वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसको नेशनल एसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। बहुत सारे रॉक टाइप्स हैं, उनको नेशनल एसेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं उनको जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि जो जियोलॉजिकल कंडीशन उसको अच्छे से समझा जा सके। जो फॉसिल की लोकेशंस हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे फॉसिल्स के एविडेंस मिलते हैं उनको भी हमें अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसे जो सिग्निफिकेंट एडवांसेस हो रहे हैं हमारी जियोलॉजी में उसको भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। साथ ही जो डिपॉजिट्स हैं कई सारे मिनरल्स के उनको भी हमें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, उनको नेशनल एसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में, वो ये बात है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जो कोलार गोल्ड माइन है हम उसे एक जियोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पर बच्चे जाकर रिसर्च कर सके, वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कई सारी माउंटेन पीक्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्टल ड्यून्स हैं, वेटलैंड्स या फिर इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं, हम इनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मिनरल्स की, रॉक्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, उनको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। एक जो बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर की गई है वो ये है कि हम कच्छ ऑफ गुजरात की बात करते हैं, वहाँ पर डायनासोरियन फॉसिल्स मिलते हैं मेसोजोइक एरा के, जो 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं जियोलॉजिकल सेक्शंस में, लेकिन वहाँ पर देखिए उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, हाईवेज़ के, रियल स्टेट के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। आयरनी ये है कि हम ये प्लान बनाते हैं कि हम मार्स पे जाएंगे और वहाँ पर हम अर्ली लाइफ के एविडेंस खोजेंगे। ठीक है, देखिए आयरनी क्या है कि मार्स पे जाके हम अर्ली लाइफ के एविडेंस खोजेंगे और इंडिया पे हमारे घर के पीछे ही जो एविडेंस हमारे ऑलरेडी हैं अर्ली लाइफ के, हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खुद के बैकयार्ड में जो बहुत ही प्रेसियस एविडेंस हैं अर्ली लाइफ के, हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं और हम प्लान बना रहे हैं मार्स पे जाने का। तो कितनी आयरोनिकल बात है ये। आगे हम जापान का केस लेते हैं, हम देखते हैं कि 1995 में वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, लेकिन उसकी जो फॉल्ट लाइन थी जो 150 किलोमीटर की थी लगभग, उसको उन्होंने कंजर्व किया और उसको उन्होंने एक मेमोरियल पार्क बना दिया ताकि जहाँ पर स्टडी की जा सके उसको उन्होंने कंजर्व किया। लेकिन लातूर में 1993 में एक अर्थक्वेक आया, महाराष्ट्र में हमने इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, हमने देखा 2004 में सुनामी आई, हमने उसका डेटा तक प्रिजर्व नहीं किया। तो ये सारी बातें जो हैं इससे हमें सीखने की ज़रूरत है।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि वैसे तो उन्होंने 26 साइट्स को डिक्लेयर किया है जिसको ये प्रिजर्व करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी कुछ स्ट्रक्चरिंग की जाती है या फिर फर्दर ह्यूमन मेड डेवलपमेंट्स किए जाते हैं तो इन साइट्स को प्रिजर्व करने की बात नहीं की जाती है। क्या करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत ये है कि हमें एजुकेशनल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल मैकेनिज्म अपनाना चाहिए ताकि जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही जब भी हम कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रहे हों, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आइए जो आज हमारी एथिक्स की केस स्टडी है उस पर बात करते हैं कि आप एक सुपरिनटेंडेंट पुलिस ऑफिसर हैं और आपके एरिया में एक गैंग रेप है जो होता है, ठीक है, आप एक SP हैं और आपके एरिया में ये केस गैंग रेप का सामने आता है। तो आर्टिकल में जो बात की गई है वो यही है। तो आइए देखते हैं, केस स्टडी में यही बात की गई है कि जो घटना हुई है ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, आपके एरिया में आती है। जो घटना हुई है ये एक स्कूल टीचर के साथ हुई है, स्कूल टीचर जो एक लेडी थी उनके साथ हुई है, और ये जो चार यूथ हैं जिन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। अब देखिए, जो लेडी के पेरेंट्स हैं वो आपके पास आते हैं डायरेक्टली कंप्लेंट करने के लिए और आपसे ये कहते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर था उस थाने का, उसने उस केस को रजिस्टर नहीं किया है जो यूथ थे उनके खिलाफ, बल्कि उसने जो लेडी थी जिनके साथ ये अपराध हुआ है उनकी इंसल्ट की और साथ ही उनको कंसिक्वेंसेस की धमकी भी दी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा हमारी सोसाइटी में अक्सर होता है ऐसे केसेस में कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है और जब वो पुलिस थाने में जाती हैं तो वो उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो महिला किस स्थिति से गुजरी होती है और उस घटना का अगर फिर से उससे डिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर हर टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सेंसिटिविटी दिखाएं, जेंडर सेंसिटिविटी दिखाएं, वो घटनाक्रम का सामान्य घटनाक्रम भले ही उसकी जानकारी ले लें क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव डिटेल्स उन्हें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये इथिकल वैल्यूज़ के खिलाफ होती हैं, आप समझिए। तो ठीक है, तो अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं केस स्टडी में। ये है कि उनके पेरेंट्स बताते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन था कि वो मीडिया के पास जाएं और पूरी चीज़ को मीडिया के सामने बोलें, लेकिन उसके पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, वो ये भी बात बताते हैं कि उस महिला का मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया पुलिस वालों के द्वारा। अब देखिए, मेडिकल चेकअप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 24 आवर्स और 48 आवर्स अप्रॉक्सीमेट ऐसा समय होता है जिसके बाद जो रियल एविडेंसेस होते हैं घटना के वो ख़त्म हो जाते हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके दौरान मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है। अगर उस दौरान मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जाता है तो बाद में जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको गैदर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनका मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया गया जिससे कि वो जो यूथ हैं उनको बचाया जा सके। मीडिया इस केस के बारे में नहीं जानती है और ना ही कोई व्यक्ति जानता है। पेरेंट ने ये एलिज किया कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उन यूथ से ब्राइब लिया है, पैसे लिए हैं जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, और इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर नहीं किया। आगे वो ये बोलते हैं कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो वो मीडिया के पास जाएंगे। हालांकि मीडिया के पास वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अपनी डॉटर की आइडेंटिटी से को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि उनकी पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर वो ऐसा करेंगे, साथ ही उनकी जॉब जाने का भी खतरा रहेगा। तो इस आधार पर वो आपके पास मदद के लिए आए हैं। अब आपके पास जो समस्या है वो ये है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करिए। 200 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। अब देखिए, सबसे पहला तो आपको जो जवाब देना है वो ये है कि आप एक सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के गार्जियन हैं पब्लिक डोमेन में, और आपको ये अश्योर करने की ज़रूरत है कि जो टीचर है या फिर उनके पेरेंट्स हैं कि उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत, ठीक है। आप इस बात को उनको अश्योर करेंगे कि उनको ज़रूर से आप न्याय दिलवाएंगे। पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि जो FIR है वो रजिस्टर की जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी लोग जो एलिज्ड हैं जिन्होंने इस घिनौने काम को अपराध को जो अंजाम दिया है उन चारों लोगों के खिलाफ, साथ ही उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जिन्होंने इस केस को दर्ज नहीं किया है और ब्राइब लिया है, ठीक है। आप क्विक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया है और अपना जो इथिक्स है उसको बहुत ही मलाइन किया है, ठीक है। प्राइम फेसिया, प्रथम दृष्टया आप जो करेंगे वो ये होगा कि आप जो एविडेंस एग्जिस्टेड हैं जो रजिस्टर नहीं किए गए हैं उनको इकट्ठा करेंगे, जो ब्राइब लेने की घटना है उसको भी, और अगर ये चीज़ सही साबित होती है आपकी निगाह में तो सबसे पहले आप उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देंगे। दूसरा काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप केस को तुरंत ही एक ऐसे इंस्पेक्टर को सौंप देंगे जो
इंस्पेक्टर हो जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, जो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता हो, ठीक है। साथ ही आप उस केस को इंडिविजुअल लेवल पे लगातार मॉनिटर भी करेंगे ताकि इस केस में फर्दर कोई गलती ना हो जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी उस महिला का मेडिकल चेकअप करवाएंगे, उस विक्टिम का, ताकि जो क्रिमिनल एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा किया जा सके और आगे उस केस को बढ़ाने में मदद मिले, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवाने में मदद मिल सके। इसके साथ ही साथ आप जो पेरेंट्स हैं उनको रीअश्योर करेंगे कि उनको मीडिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको लास्ट रिजॉर्ट जो है उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप उनके पास आ चुके हैं और जो पुलिस और लॉ है वो उनके साथ है और निश्चित तौर पर जो जस्टिस है उन्हें दिया जाएगा, उनको जस्टिस और न्याय इस समाज में मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि वो लोग जो डर रहे हैं कि जो चार यूथ हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो फर्दर उनके खिलाफ कुछ वायलेंस कर सकते हैं, तो आप उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इस बात के लिए भी अश्योर करेंगे कि वो उनकी जो महिला है उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट स्केल पे जितनी ज़रूरत होगी सिर्फ उसका इतना इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आप एक लॉन्ग टर्म जो मेज़र्स हैं वो अपनाएंगे। हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई है, जो 6-7 बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगैलिटी, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसके साथ ही साथ जो सोल्यूशन है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये बातें हमने की, लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे? अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देंगे तो आपका आंसर अधूरा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में आप ये देखेंगे कि ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो आगे ना हो, आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको पुलिस ऑफिसर्स में इनकल्केट करने का प्रयास करेंगे, जो क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में, जो रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं उनको भी क्रिएट करेंगे। एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप करेजियस हों, एथिकल हों, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी हों, आप लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उसका अच्छे से समाधान कर सकें। तो ये जो केस स्टडी थी वो आज हमने सॉल्व की। आपको बताना है कि केस स्टडीज आपको कैसी लग रही हैं, फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे आज दो सवाल पूछ रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है मेरा है वो ये है कि आपको ये बताना है कि प्रॉबिटी इन गवर्नेंस का क्या मतलब है। सवाल सुनिए, कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। आप लोग बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपके जवाबों को देखकर, मैं पढ़ता हूं उन आंसर्स को। इफ रिप्लाई, तो आपको बताना है बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा सवाल का, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। दूसरा सवाल, रोटरडम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरा सवाल, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। दो सवालों के जवाब चाहिए, प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस का क्या मतलब है, दूसरा बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो तीनों हैं ये किससे रिलेटेड हैं, साथ ही कौन सा किस साल में आया था ये भी बताइएगा। सीक्वेंस में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप अच्छे जवाब देते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि वो लोग इस चैनल तक पहुँच पाए, ये चैनल उन तक पहुँच पाए। आप लोग उसमें हेल्प करिए हमारी, और इस डिस्कशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।